हिंदू आ जाता है कुछ कभी कभी वो ऐसा होता है। भोले बाबा भी कठिन परीक्षा ले रहे हैं की बार केजरीवाल सरकार। प्यार परी सत श्री अकाल, जय बोले की, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम हैं सोन प्रयाग में और आज का हमारा सफर रहेगा सोन प्रयाग से बद्रीनाथ तक, बट रास्ते में हम रुकेंगे तुंगनाथ, जो तुंगनाथ मंदिर है वर्ल्ड का, पता नहीं इंडिया का सबसे हाईएस्ट मतलब माउंटेन के ऊपर शिव भोले बाबा का मंदिर है, तुंगनाथ मंदिर बोलते हैं, उसके दर्शन करेंगे। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि पार्वती मैया और शिव भगवान की जहाँ पर शादी हुई थी वो हम देखने के लिए जाएंगे, देन निकलेंगे बद्रीनाथ की ओर। तो कुछ इस तरह का प्लान है। और रात हमने है ना, ये पार्किंग है सोन प्रयाग की, पार्किंग है, कार पार्किंग है, और उधर में है ना कहीं स्पेस खाली थी तो उधर में हमने अपना कैंपिंग टेंट पिच किया और बड़ी मज़ेदार नींद आई यार, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, चार्जिंग करने के लिए भी पॉइंट मिल गया। और अभी हम इधर से निकलने लगे हैं और सामने लगा हुआ है लंगर, भोले बाबा के हर जगह पे लंगर लगे हुए हैं। तो लंगर सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, देन निकलते हैं बद्रीनाथ की ओर। तो करते हैं सुबह सुबह भोजन अपना, भोजन चालू हो गया ऑलरेडी, तो ठीक है मिलते हैं, भोजन कर लें देन निकलते हैं आगे की ओर। तो देख रहे हो ना सुबह सुबह कितने यात्री आ रहे हैं यार, अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है, खाना पीना हो गया है, लंगर लगा हुआ था आपको बताया ही, उधर में हमने खा लिया। और अभी हम आए हैं बस स्टैंड की ओर, नीचे बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड से अपनी पकड़ते हैं बस, निकलते हैं तुंगनाथ की ओर। आधा घंटा में भी एक घंटे का रास्ता है इधर से, और चलते हैं दिखाते हैं आपको सबसे हाईएस्ट माउंटेन के ऊपर है शिव भोलेनाथ बाबा का मंदिर है जो, और यात्री पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं यार ऊपर। आज ज़्यादा भीड़ होने वाली है, कल मतलब पहले दिन कम थी, उससे ज़्यादा फिर होगी, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे धीरे धीरे ना बढ़ता जा रहा है। और मे बी थोड़े टाइम तक जब स्कूल में छुट्टियां आ जाएंगी तो फैमिलीज़ भी और ज़्यादा आने लग जाएंगी। तो ठीक है अभी हम चलते हैं तुंगनाथ की ओर। आज पता नहीं यार क्या हो रहा है ना, सुबह से कोई गाड़ी नहीं दिख रही, ना कोई बस मिल रही, तो टैक्सी वाला को भी पूछ रहे, टैक्सी वाला भी नहीं कोई जा रहा, बोले सभी बुकिंग है ऑलरेडी, क्योंकि केदारनाथ के आपको पता है कितने यात्री आते हैं दर्शन करने के लिए यार। अभी सारे लोग ना हमारे जैसे वॉक करके जा रहे हैं, कुछ ये निकल गए, कुछ आगे की ओर निकल गए, पता नहीं यार पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। अभी भी इधर से ना चौपता जाना है हमने, क्या कहते हैं चौपता, इधर से 60 से 70 किलोमीटर है। तो भाई लोग कहाँ जा रहे हो आप? जाना तो गुप्तकाशी जाओगे? गुप्तकाशी से कहाँ? बद्रीनाथ। अरे वाह, हम भी उतरी जा रहे हैं, हम चौपता जाएंगे पहले। हाँ तो गाड़ियों की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है आज तो ठीक है इधर वेट करते हैं यार, कोई ना कोई अगर बस मिलेगी फिर निकलते हैं, क्योंकि 70 किलोमीटर का सफ़र है, देखते हैं आज क्या होता है हमारे साथ। तो देख रहे हो ना ऑलमोस्ट चलते चलते हमें ना 1 से 1.5 घंटा हो गया और हम सोन प्रयाग से ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर आ गए हैं और कोई बस की व्यवस्था नहीं है और सारे लोग पैदल पैदल आ रहे हैं। है ना आंटी, आप पैदल आए उधर से? ओहो हो, देख लो यार इतना परेशान होकर जाना पड़ रहा है लोगों को, कोई बस की सर्विस नहीं है, कोई गाड़ी टैक्सी नहीं चल रही, पता नहीं क्यों नहीं बिठा रहा, कोई भी बिठा ही नहीं रहा। अभी देखते हैं एक दो किसी गाड़ी को हाथ देकर देखते हैं, अगर कोई बिठाएगा तो ठीक है, अगर नहीं बिठाएगा तो वॉक करके ही जाना पड़ेगा। एक ये इतनी धूल मिट्टी है ना, नहाया हुआ बंदा अनहाया हो जाता है, अनहाया मतलब कि नहाया नहीं होता ऐसा बंदा हो जाता है यार, और ऊपर से जुखाम हो जाता है, आपको पता है जब रेता मिट्टी दलती है ना जुखाम ज़्यादा हो जाता है। भैया हमें भी ले जाओ, ओ ले जाओ यार, ओ ले जाओ यार, कर दो भोलेनाथ कृपा। मेरे को लगता है भोलेनाथ भी है ना बहुत ज़्यादा परीक्षा ले रहे हैं कि बेटा तुम ऊपर से तो वॉक करते आए ही आयो, अभी चौपता की और भी वॉक करते करते जाओ, पता नहीं गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलो देखते हैं, चलते हैं हम भी यात्रा के संग संग निकलते हैं धीरे धीरे से। कहाँ तक जाओगे अंकल जी आप वॉक करके? बद्री केदार तक पैदल जाओगे? और ये सल्यूट अंकल जी आपको, कितनी उम्र होगी अंकल जी आपकी? 56 वर्ष। ओहो हो, हमसे तो यार 25 के होके चला नहीं जा रहा अंकल, 56 के आप भागे जा रहे हैं, क्या बात है। कहाँ से अंकल जी आप? गुजरात से। अरे बाबा केम छो, मोदी सरकार, मोदी सरकार सही है सही है। अच्छा अभी ऊपर से आ रहे हो आप, कैसे हुए आपके दर्शन? बहुत फर्स्ट क्लास, अच्छे हो गए? चलो बढ़िया बढ़िया। कब गए थे आप ऊपर? कल। ऊपर भी वॉक करके गए, पैदल गए? नहीं
हेलीकॉप्टर से गए, आए ऊपर, आए पैदल थी, पैदल आए। अरे वाह वाह, सही है सही है। चलो जाना तो मुश्किल हो जाता है, आना आसान हो जाता है, उम्र में चलता है इतना तो। चलो सही है सही है। आप कौन? मैं पंजाब से हूँ जी। पंजाब से? हाँ, अभी हम जा रहे हैं चोपता, भोलेनाथ बाबा का मंदिर है सबसे ऊँचा, वो देखने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे बद्रीनाथ। और सब बढ़िया? आप कितने फैमिली मेंबर आए हो? आप अच्छा, आपको पंजाब के मुख्यमंत्री हमें नया आए ना? हाँ जी हाँ, वो बन गया अभी भगवंत मान। भगवंत मान जी जी जी, केजरीवाल सरकार। केजरीवाल सरकार, हाँ, अब की बार केजरीवाल सरकार। सही है सही है भैया। ये पक्का ओरिजिनल है शिलाजीत? क्या निशानी होती है इसकी? इसको माचिस से गर्म करो ना। अच्छा अच्छा, इसको आग लग गई अगर तो? आग लग गई तो बेकार है। तो बेकार है, अगर आग ना लगी निकल जाता है डामर की तरह। अच्छा, ये कितने रुपए क्या है इसका? 300 रुपए का है। 300 रुपए का? छोटू चाहिए तेरे को शिलाजीत? ठीक है। और क्या केसर बेच रहे हो? केसर का क्या प्राइस है? 300 रुपए डब्बी है। ओहो हो हो हो, 300 रुपए डब्बी, बड़ा महंगा बेच रहे हो यार। ठीक है, कोई ना, मिलेंगे आपको, जरूर लेंगे फिर दोबारा। भैया भैया इधर बेचते हैं केसर और शिलाजीत। सही है। क्या नाम है भैया आपका? अमर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो आप? हिमाचल। हिमाचल के? पक्का ओरिजिनल है ये 100%? चलो सही है, मिलेंगे आपको फिर, लेंगे आपसे जरूर। हाँ जी, हाँ अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है अभी। हाँ तो बोले बाबा भी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। और क्या, पहले नहीं एक बूंद भी नहीं बची अभी तो, है ना? तो बेटा पेट्रोल कहाँ मिल जाएगा यार? पेट्रोल कितना आगे भैया, कितना आगे होगा? आज तो ना बोले बाबा जी भी पूरी परीक्षा ले रहे हैं यार। पहले तो लिफ्ट नहीं मिली, मतलब पहले तो गाड़ी नहीं मिली है ना, तो फिर अभी बाबा जी की गाड़ी मिली और इसमें मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया। पानी 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 निकाल दिया भैया, है नहीं। जो भगवान राम जी ना, जय राम जी की जी। महाराज आ गए बोबड़ी पे। फिर पहले बंद करो, पहले बंद करो, फिर देखो राम जी कृपा, ये कृपा है भोलेनाथ की जी। हाँ, महादेव की कृपा होती है। लो जी डाल, हनुमान जी सोम चलते हैं बेटा मेरे साथ। ये तो बाबा जी परीक्षा ले रहे थे। होगी परीक्षा पूरी? पूरी होगी। हाँ सही कह रहा बेटा, परीक्षा ले रहे थे बाबा, परीक्षा ले रहे थे। मैं तो गिरा कर मुझे बताओ, चार दिन गाड़ी चला पाऊँ। चलो जी चलो, कोई बात नहीं, गाड़ी चला मस्ती में। भोलेनाथ की कृपा हो गई। ठीक है, तेल डलवा लेना अपना, पहुंच जाओगे आप। ठीक है ठीक है बाबा जी। क्या नाम है बाबा जी आपका? सुलेख दास जी। ओके ओके, धन्यवाद बाबा जी। आपका नाम बेटा? मेरा नाम मनी है जी, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। कौन सा यूट्यूब? मेरा चैनल है मनी बैकपैकर के नाम पर है। मनी बैकपैकर यूट्यूब पर जाएगा? आ जाएगा जी, आ जाएगा। तो बाबा जी ने मेरे को इधर तक छोड़ दिया, बाबा जी ने लिफ्ट दी। बट बोले बाबा ने आज बहुत परीक्षा ली यार, हमारा तेल खत्म हो गया। बट साथ ही साथ बोले बाबा ने कोई ना कोई है ना भेज ही दिया हमारी मदद करने के लिए। तेल मिल गया। हाँ, उधर से कोई बाबा जी आ रहे थे, उन्होंने तेल डाल दिया। तो अभी बाबा जी आगे जाके पेट्रोल पंप से तेल डलवा लेंगे और पहुंच जाएंगे। कहाँ जाओगे बाबा जी आप? हरिद्वार। हरिद्वार जाओगे? चलो ठीक है बाबा जी, जय बोलेगी जी, जय बोलेगी। ठीक है बाबा जी। तो दोस्तों फाइनली जो रास्ता चौपता को जाता है उसके आसपास मैं पहुंच चुका हूं, और बाबा जी बोले मेरे पास यार पैसे नहीं है पेट्रोल डलवाने के लिए। तो मैंने उनको 100 रुपया दे दिया। मैं कहा चलो बाबा जी मेरे पास इतनी है, क्योंकि मेरे पास कैश 100 रुपया ही था, तो मैंने 100 रुपया दे दिया। तो अभी निकलते हैं इधर की ओर, इधर से जाएगा वो रास्ता। पहले पूछते हैं किसी से। भैया जी, ओ भैया जी, ये चौपता को जाएगा है? कितनी नीचे जाना पड़ेगा? अच्छा ये नहीं जाएगा इधर? ओहो बाबा गलत उतार गया यार।
चलो चलते हैं वॉक करते करते नीचे की ओर। तो लो जी, ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये शॉर्टकट रास्ता नीचे जाने के लिए, ये चौपता का मेन हाईवे जाता है। ओ उधर से ना ऐसे ऐसे घूम घूम कर पता नहीं कौन सी पहाड़ी पे जाएगा। कुछ इस तरह का नज़ारा है उत्तराखंड के गांव का, देखो छोटे छोटे से घर दिखते हैं ना। तो अभी मैं मतलब मेन सिटी से ना बाहर निकल के आ चुका हूँ और थोड़ा सा थक गया था यार, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है इधर में। और इधर में अभी हम पीने लगे हैं कॉफ़ी और अंकल जी अपनी कॉफ़ी बना रहे हैं। कैसे हो अंकल जी आप? बढ़िया, ठीक हो? तो ठीक है, गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हैं और फिर निकलते हैं चौपता की ओर। अंकल जी बता रहे थे 50 किलोमीटर है इधर से, और नीचे से शायद हमको बस भी मिल जाए। अगर बस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो किसी से लिफ्ट लेकर हम निकल जाएंगे चौपता। आज तो पहुंच जाएंगे ना अंकल जी, शाम तक पहुंच जाएंगे ना? चलो ठीक है, कॉफ़ी पीते हैं गर्मा गर्म, थोड़ा शरीर को एक्टिवेट करते हैं, फिर निकलते हैं आगे। और ये खूबसूरत घर उत्तराखंड के आप देख सकते हो पहाड़ियों पर यार, छोटे छोटे से कितने खूबसूरत हैं। हाँ हाँ, क्या बात है अंकल जी, बड़ी जबरदस्त बनाई है। राजस्थान वाले? क्या बात है, राजस्थान से हो आप? ओहो सही है, बड़ी अच्छी बनी है, राजस्थानी है ना। कितने टाइम से अंकल जी आप ढाबा चला रहे हो इधर? अभी हमारा टूर है। अच्छा, दो महीने का टूर। अच्छा, टूर के लिए आते हो, जब यात्रा खुलती है तभी आते हो? ठीक है ठीक है। कभी कभी ना इन खूबसूरत वादियों को देखकर ऐसा होता है कि काश मेरा भी घर यहीं कहीं किसी कॉर्नर पे होता और मैं सुबह उठकर रोज़ इस कुदरत का आनंद मान पाता। यार कितना खूबसूरत है, जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है बोलने को। तो वो सारी चीज़ें हैं शहर की शोर शराबे से बिल्कुल दूर एक क्वाइट सी दुनिया है ना, गांव की दुनिया, इसीलिए हम गांव घूमना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, आपको पता ही है कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहा हूँ, चौपता की ओर। मैं ही भूल जाता हूँ कभी कभी। तो अभी हम जा रहे हैं चौपता की ओर और मैं अकेला ही जा रहा हूँ। अभी अंकुश यार पीछे रह गया, तो अंकुश के साथ वो भी आ रहा है, दूसरा छोटू भी, तो वो पीछे हैं अभी। तो बट मैंने उनको बता दिया कि मैं हाईवे पर वेट करूँगा, सामने ना वो चौपता वाला हाईवे है, तो ये ऐसे ऐसे घूम कर हम चौपता के हाईवे पर चले जाएँगे। क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेकर आ गया था, आपने जैसा देखा ही, तो वो पीछे आ रहे हैं, बस शायद गाड़ी में आ रहे हैं, क्योंकि बस और गाड़ी की बहुत समस्या थी, तो इसलिए हम बाइक से लिफ्ट ले लेकर पहुंच गए इधर तक। तो चौपता जाने से पहले एक गांव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गांव है, और गांव के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मंदिर है, और उसके बारे में जानते हैं थोड़ी सी कहानी और चलते हैं उस मंदिर की ओर। जाकर बताता हूँ कौन सा मंदिर है। मैं तो दोस्तों इधर से जाता है अभी चौपता को रास्ता, ये सीधा चौपता को निकल जाता है, और इधर से अभी भी 50 से आसपास है, 50 के आसपास है। बट उससे पहले मैंने रुकना है मक्खू मठ में। मक्खू मठ में क्यों रुकना है वो मैं उधर जाकर बताता हूँ, अगर मेरे को लिफ्ट मिल गई तो मैं जाऊँगा उधर। क्योंकि अभी मैंने ना पुलिस वालों से पूछा, इधर में ना पुलिस वाले हैं, तो मैंने उनसे पूछा, वो बोले कि अगर कोई गाड़ी मिलती है तुमको तो चले जाओ, नहीं तो तुम्हें किसी और गांव में घुसकर उधर से बस लेकर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं, कोई बाइक वाला या मोटरसाइकिल वाला आएगा तो उधर तक हम चले जाएंगे। इतने में इंतज़ार कर रहा हूँ, 2-3 मिनट वेट करते हैं फिर निकलते हैं आगे की ओर। अभी भी है ना चौपता 29 किलोमीटर पड़ा है और मैं अभी पहुंचा हूँ उखी मठ के अंदर, और इधर वेट कर रहे हैं यार, अंकुश आ रहा है, अंकुश की वेट कर रहे हैं। और बाहर है ना हल्की हल्की सी बारिश भी पड़ने लगी है, और सुबह से हल्का फुल्का सा ही खाया है कुछ। किधर रख दिया भैया? ओहो, अभी अभी मैंने परौंठा बनवाया, मैं कहा चल परौंठा खा लेते हैं यार, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, नहीं खाया तो पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी इसी वजह से। इतने हम वेट भी कर लेंगे, अंकुश आ जाएगा, फिर निकलते हैं आगे की ओर मक्खू मठ। आज आपको मंदिर घुमाते हैं, मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर, मिलते हैं बाद में आपको खाना खाने के बाद। ठीक है अंकल जी? तो देख रहे हो ना उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के नज़ारे, इधर रुकने का मन क्यों नहीं करेगा यार, क्या बात है, टच वुड। और इतनी खूबसूरत हरियाली को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और अभी इधर से चौपता है जो 20 किलोमीटर है,
ऑलमोस्ट 2 घंटे का सफ़र है इधर से, अगर हमें कोई गाड़ी मिल गई तो होप भोलेनाथ हमारे पे कृपा करे, क्योंकि हम सुबह से ही कंफ्यूज होके चल रहे हैं कभी गाड़ी नहीं मिल रही, कभी वॉक करनी पड़ रही है, और कभी मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो ठंड लगने लग जाती है। तो अभी थोड़ा सा हम वॉक करते हैं और किसी गाड़ी को रोकते हैं, देन निकलते हैं चौपटा की ओर। और आज रात चौपटा में स्टे करेंगे। पहले मेरा प्लान था, मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि मैं आपको जहाँ शिव भगवान और पार्वती माता की शादी हुई थी वो गांव दिखाऊंगा, बट वो गांव यार सोनप्रयाग के पास रह गया, मेरे को बाद में पता लगा कि गांव उधर है, तो सो सॉरी, फिर कभी ज़रूर आपको दिखाएंगे। बट फिलहाल आपको कल मॉर्निंग दर्शन होंगे भगवान भोले शिव का, जो सबसे ऊंचा दुनिया में मंदिर बना है उसके। तो चलते हैं चौपटा की ओर, आज रात चौपटा स्टे करेंगे, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। विंटर के सीज़न में उत्तराखंड में अगर आप आओगे तो चौपटा ज़रूर विज़िट करना। तो चलते हैं। प्रणाम अम्मा जी। प्रणाम। कैसे हो आप? ठीक ठाक। अच्छे हो? अच्छे है, बिल्कुल अच्छा है। यात्रा सफल? हाँ, यात्रा हो गई। हो गई। केदारनाथ से आए अभी हम। केदारनाथ से? हाँ। बारिश कितनी हो रही है? बारिश बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा, ठंड बहुत है। भीड़ कितनी है? भीड़ पूछो मत, भीड़ बहुत ज्यादा है भीड़ तो बहुत ज्यादा है। आप नहीं गए इस बार यात्रा पे? नहीं। ओहो, जाना था आपने भोले बाबा के दर्शन करने, जाना था? जाएगा। अच्छा अच्छा, आप ये इस गांव में रहते हो? ओहो, अच्छा अच्छा, कौन सा गांव है? गांव का नाम क्या है? ताला है, उसाड़ा। अच्छा अच्छा, हमें इधर सुना है मैंने कि रात को तेंदुआ तुंदुआ आ जाता है इधर में, तेंदुआ आता रात को जंगल, जंगल से हाँ जानवर आ जाता है। आते हैं आपने देखा है कभी? हाँ, भगाते हैं उनको कौन सा आता है? वो सुअर। सुअर? सुअर, जंगली सुअर? अच्छा, शेर? शेर शेर नहीं आता? आता है। अच्छा, शेर तो कम, कभी कभी ना भेड़ बकरी के साथ। अच्छा, पर भालू? हाँ, अच्छा भालू आते हैं। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हम पहली बार आए ना उत्तराखंड के गांव में, अच्छा लग रहा है लोगों से मिलकर। हमें क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इमला देवी। और आपका जी? पुष्पा। आपका जी? पुष्पा। ओके, आपका? रजनी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सही है। और सब बढ़िया? सेहत अच्छी है जी? चलो सही है सही है। थोड़ा गांव से आ रहे हैं ना? गांव से आए? ऊपर उधर से आए? हाँ। इधर जा रहे हैं, यहाँ भी है गांव, वहाँ भी है। अच्छा अच्छा, एक मकान यहाँ है, एक मकान वहाँ है। अच्छा अच्छा जी। घूमने के लिए दौड़ धाप कर रहे हैं। अच्छा, एक लड़की की शादी हुई थी ना कालमठ में। अच्छा, वो कोठी लेके आई थी। हाँ, खत्म हो चुकी थी। अच्छा, उसी माँ के पास गई। ओहो, वहाँ से आ रहे हैं ना? हमारा यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो अम्मा, इधर में जब शादी होती है उत्तराखंड में तो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है या नॉर्मली, मतलब थोड़ा धूमधाम से? अच्छा, डैग डूग लग जाते हैं, डीजे डूजे लगते हैं, नाचते हैं सब, महिला भी नाचती है, पुरुष भी नाचते हैं। अम्मा, मैं पंजाब से आया हूँ, पहली बार आया हूँ उत्तराखंड, तो कोई पहाड़ी गाना सुना दो, कोई अच्छा सा पहाड़ी गाना हो जाए। पहाड़ी गाना? हाँ। अरे मुझे को तो देर हो रही है। अरे एक छोटा सा सुना दो बस। जय जय भोले भोले नाथ बाबा, तुम रोंदा मेरा बाबा बो गया ऊंचा के लासे, तुम रोंदा बाबा ममछू का पातले, तुम रोंदा बाबू भोले नाथ झिमर की डाली मारो ना बेटिया का धारू धारू मारो ना बहिना। मेरा भोले नाथा जी, भोले भोले नाथा जी, अच्छी रोना रे पाले हमारा तुंगे नाथे बाबा, रचिया रोना हमारा तुंगे नाथे बाबा, बालू ना गोपालू मारे छी पाल, देसी परदेसी बाली गोपालू मारे छी रोना पाल, हमारा भोले नाथी तुंगे नाथी बाबा, सारी धामों की यात्रा कदा
डोली सजे के यात्रा जाना हमारा भोले नाथा। जय भोले की जी, जय भोले की। बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बहुत प्यारी आवाज है। ठीक है, तो मैं जब इधर शादी होती है तो अरे बैग में फेंक गई। अरे बैग कोई बात नहीं, बुढ़ापा हो गया ना। हाँ जी, सांस बहुत कम। हाँ, सांस फूल जाता है। हाँ, सही बात है। बट बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। बंसी बजाना हमारा कन्हैया, चारों धाम मारो ना हमारा कन्हैया, फूलों का बागवान रो नानी हमारा कन्हैया, राधा जी का साथ मारो ना हमारा कन्हैया, बांसुरी बजो ना हमारा कन्हैया, यो सुधा का बेटा कन्हैया बांसुरी बजाना, देवकी को लाली जाबी गोपियों का साथी मा, कन गेंदी खिलौंदा कन गेंदी खिलौंदा। वाह वाह, बस देव को पूती होलो, बस देव को पूती हो, नाग जी का फन मा खेल खिलौना, शंख जी बजौना शंख जी बजौना, बांसुरी बजौना हमारो कन्हैया, बांसुरी बजौना बस देव को पूत, बस देव को पूत। अरे वाह, जय भोले की जी, जय भोले की। बहुत अच्छी आवाज है, सांस फूलने लगी अभी। पानी पियोगे? पानी दूंगा आपको। हाँ जी, कभी आएगा ना जब हम ढोल बजाएगा। हाँ आएगा, पक्का आएगा। हाँ पक्का आएगा, आपके गांव में पक्का आएगा। ठीक है जी, जब बजाना हाँ तब नाचेगा। ठीक है, ठीक है माता जी, प्रणाम जी, प्रणाम। ठीक है जी, बाय बाय जी, बाय बाय। हाँ जरूर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम गांव में पहुंच चुके हैं। इधर में भैया कैसे हो? भैया गांव का नाम भूल गया, क्या गांव का नाम है? ताला है। ताला, ओके। तो दोस्तों अभी हम है ताला में, इधर से चौपटा की दूरी है 18 किलोमीटर है ना भैया? ओके ओके। और हम नीचे टेंट लगा सकते हैं भैया इधर में? जी बिल्कुल। इधर में रात को कोई तेंदुआ कुछ ऐसा नहीं, नहीं ऐसे कोई सीन। अच्छा, ऊपर वाले लोग डरा रहे थे, बोले तेंदुआ आ जाता है कुछ। कभी कभी वो ऐसा होता है, कुछ नहीं होता। 12-1 बजे चलो आप। अच्छा, कुछ नहीं होता। ये आसपास में इधर में घर है कोई? ये क्या चीजें भैया? ये जो क्रिकेट स्टेडियम थोड़ी सी बना रखा है। अच्छा अच्छा, जो उसके लिए लोग आते हैं, जो छोटे मोटे मैच होते हैं। अच्छा अच्छा, उसी के लिए बना रखा है इसमें, लेकिन कोई है नहीं। हल्का पानी की है कुछ इधर? पानी की? अच्छा, पहाड़ों का पानी आता है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है भैया जी, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, अच्छा लगा भाई मिलकर, थैंक यू जी, बाय। ओके जी, बाय बाय। तो दोस्तों इधर हमें है ना सामने प्लेग्राउंड है गांव का, तो इधर में आज हम टेंट लगाएंगे। पहले गांव के लोग इधर हमें बात कर रहे थे ना, वो डरा रहे थे, पता नहीं क्यों बोल रहे थे, बोले इधर में तेंदुआ आ जाता है। बट जैसे अभी आपने सुना, भाई ने बता ही दिया कि कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बाकी अगर दिक्कत होगी यार, बोले बाबा रक्षा करेंगे अपनी, बोले बाबा अपने साथ हैं, साथ हैं सच्चे मन से। हम भी बोले बाबा की आरती कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा दिन गया, बड़े अच्छे लोग हैं, आपने देखा ही। उत्तराखंड की हम देवभूमि घूम रहे हैं, तो स्वर्ग से कम नहीं है देवभूमि यार। तो पहले आपको पता है मक्खू मठ जाने का मेरा प्लान था, बट नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि यार उधर से डोली जाती है, जो ऊपर चौपटा का जो मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर की जो मैं आपको बता रहा था, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मंदिर है ना, तुंगनाथ मंदिर। तो पहले मक्खू मठ जाने का प्लान था, बट मक्खू मठ से डोली ऑलरेडी जा चुकी है तुंगनाथ मंदिर। तो 6 महीने डोली जब ऊपर का कपाट बंद रहता है तो मक्खू मठ में रहती है, जब मक्खू मठ का कपाट ऊपर वाला कपाट खुल जाता है तो डोली ऊपर चली जाती है। तो डोली ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, तो नीचे जाने का कुछ अभी वो बनता नहीं है, प्लान नहीं बनता, तो इसीलिए हम अभी नहीं गए। बट अगर कभी चक्कर लगा मक्खू मठ की ओर, तो आपको ज़रूर मक्खू मठ जो मंदिर है उसके दर्शन जरूर करवाएंगे। बट फिलहाल हम कल आपको दिखाएंगे तुंगनाथ मंदिर, और जो आपको वो ऊपर चोटी दिख रही होगी ना, उसकी बैक साइड पे एक और हाईएस्ट चोटी है, उधर में जाना है हमने कल को। तो ठीक है, इधर सामने कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं और लगाते हैं अपना कैंपिंग टेंट, फिर मिलते हैं आपसे। जय भोले की जी।